अब से कुछ देर बाद दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा के करनाल और कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में तेज बारिश के साथ साथ गिरे ओले, खेतों में खड़ी फसल के नुकसान का खतरा बढ़ा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जारी है बर्फबारी, कुल्लू मनाली समेत निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। हिमाचल के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक बारिश का अनुमान, तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट। मई के महीने में हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, दिन में छाया अंधेरा। शिमला में मौसम ने ली करवट, अचानक तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि, सड़कों पर बिछी सफेद चादर। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच पहाड़ों में मौसम का बिगड़ा मिजाज, केदारनाथ धाम में दो दिनों से जारी है बर्फबारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिलों में भी एक बार फिर तूफान का अलर्ट जारी। भारी बारिश और बर्फबारी में रुकी बद्रीनाथ यात्रा, लागमबड़ के में भी भूस्खलन की वजह से प्रशासन का फैसला। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद यमुनोत्री हाईवे बंद, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। कर्नाटक के रण में पीएम पर सोनिया का बड़ा प्रहार, बोली मोदी अच्छा भाषण देते हैं लेकिन सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता। सोनिया का पीएम पर बड़ा आरोप, कर्नाटक में सूखा पड़ा तो प्रधानमंत्री ने सीएम सिद्धारमैया को नहीं दिया मिलने का वक्त। सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप बोली लगाया, बोली पीएम मोदी करते हैं इतिहास के साथ छेड़छाड़। सोनिया का पीएम पर हमला, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस मुक्त भारत का भूत चढ़ा, वो अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करते। सोनिया ने प्रधानमंत्री पर महापुरुषों के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया, बोली असली मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। राहुल ने बताई अपने मन की बात, 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तो बन सकता हूं पीएम। जेडीएस और बीजेपी के अंदर खाने साठगांठ पर राहुल का तंज, बोले लोग पूछ रहे जेडीएस का एस का मतलब सेक्युलर है या संघी। कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएम मोदी का गांधी परिवार पर हमला, कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार की चिंता। बीजापुर के जनसभा में पीएम ने कहा आगामी चुनाव में कर्नाटक की जनता कांग्रेस को देगी कठोर सजा। पीएम का सिद्धारमैया सरकार पर तीखा हमला, कहा कि सूबे की सरकार का कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसने वित्तीय कदाचार ना किए हो। कर्नाटक के बेलगाम में चुनावी रैली में ओवैसी ने पहनी भगवा पगड़ी, जेडीएस के लिए मांगे वोट। महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस ने ली सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस, कपिल सिब्बल की दलील, याचिका को संविधान बेंच को सौंपे जाने के बाद ली गई अर्जी वापस। कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, आखिर रातों रात अर्जी संविधान बेंच को ट्रांसफर करने का फैसला किसने किया। यूपी के बाद अब राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, राज्य के 4 पूर्व सीएम को आवंटित है सरकारी बंगले। बेटे की शादी के लिए लालू यादव ने 5 दिनों के पैरोल की दी अर्जी, 12 मई को है बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी। असम में एक सरकारी कार्यक्रम में बदहाल सड़क की बात करने पर केंद्रीय मंत्री राजेन गोहेन को आया गुस्सा, मंच से रिटायर शिक्षक पर बरस पड़े। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ली छात्रों की क्लास, सिखाया मोदी बनने के गुण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को कोटखाई रेप और हत्या मामले में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्नाव रेप केस के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर सीतापुर जेल में शिफ्ट, पीड़िता की मांग के बाद कार्रवाई। एमयू के जिन्ना बवाल पर बरेली की दरगाह आला ने जारी किया फतवा, कहा गैर इस्लामिक है दुश्मन मुल्क के रहनुमा का समर्थन। एमयू में यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा रोकने को लेकर छात्रों ने चला हस्ताक्षर अभियान, जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम। यूपी के हरदोई में रेप का बदला रेप, विधवा महिला के रेप के बाद बेटे ने आरोपी की पत्नी से रेप किया, हरकत में आई पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में 18 साल की लड़की को किया आग के हवाले, सिरफिरे आशिक को पुलिस ने दबोचा। लखनऊ रेलवे स्टेशन में मनचलों की धुनाई का वीडियो वायरल, छेड़छाड़ के बाद महिला ने की सरेआम धुनाई। सीतापुर में बीजेपी विधायक रामकृष्ण भार्गव पर हत्या का आरोप, मृतक की पत्नी ने विधायक पर पैसे लेकर चुप रहने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में निजी स्कूल का टीचर बना हैवान, दो बच्चों की बेरहमी से पिटाई, केस दर्ज। यूपी के कौशाम्बी में लड़की से तमंचे के बल पर रेप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत, आरोपी फरार। कानपुर पुलिस ने दिखाई वर्दी की धौंस, पुलिस वाले ने मामूली तौर पर गाड़ी छू जाने के बाद की गाली गलौज, कार के दरवाजे पर पैर से मारी ठोकर।
यूपी के हरदोई में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी आग, 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक, कई लोग भीगर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1.5 घंटे में 3 वारदात, 2 कारोबारी, 1 अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, गोरखपुर में मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार, मौके से हथियार कैश बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ककरौली जंगल में मुठभेड़, पुलिस ने एक छात्र बदमाश को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में मुठभेड़, पुलिस की गोली से 10,000 का इनामी बदमाश घायल। मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 20,000 के इनामी बदमाश को मारी गोली, गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बस्ती में कबाड़ के कारोबारी से 37 लाख की ठगी, फिल्मी स्टाइल में बैग लेकर फरार। बिहार के पूर्णिया से अगवा 8 साल की बच्ची को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर किया बरामद, 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। पटना के दनियावा इलाके में दलित लड़की से बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया नामजद केस, आरोपी फरार। बिहार के भगवा में चिट फंड कंपनी के मालिक सत्यदेव गुप्ता की बेटी के घर सीबीआई की छापेमारी, कई कागजात जब्त। बिहार के सुपौल में हादसा, बस पलटने से 2 की मौत, 12 घायल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कमला मार्केट में नॉर्थ एमसीडी का जबरदस्त एक्शन, रेड़ी पटरी वालों को हटाया, कई सड़कें कब्जे से आजाद कराई। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज, नेहरू गांधी अटल के खिलाफ की थी टिप्पणियां, 2 साल पहले लिखा था ब्लॉग। कांग्रेस के आरोपों पर आपका पलटवार, कहा सीसीटीवी लगाने में कोई घोटाला नहीं, अब तक कोई टेंडर नहीं हुआ पास। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ सीपीआई का विरोध मार्च, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग। दिल्ली के शेख सराय में धू धू कर जली एम्बुलेंस, भीतर सो रहे 2 की मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में तेज आंधी के बाद कबाड़ के गोदाम में आग, करीब 12 घंटे तक दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के पंचकुला के सरकारी अस्पताल में नशे में बवाल करने वाली डॉक्टर सस्पेंड, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज के लिए जगह देने की मांग, मुस्लिम संगठन के लोगों ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। हरियाणा के फरीदाबाद के लतीपुरा गांव में सरकारी दावों के बावजूद नहीं पहुंची बिजली, मोदी सरकार के दावों पर सवाल। पंजाब के फरीदकोट में एक्शन में जिला प्रशासन, जेल में छापा, 4 मोबाइल फोन के साथ आपत्तिजनक सामान जब्त। पंजाब के अमृतसर में 7 किलो हेरोइन के बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में लगी भीषण आग, यात्रियों में अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फोम और गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग, 4 घंटे की मशक्कत के बाद काबू। एमपी के नीमच में देह व्यापार के अड्डों पर पुलिस का छापा, 4 लड़कियों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश की कमान मिलने के बाद पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ, शहर में जगह जगह स्वागत। कमलनाथ को रावण और शिवराज को अंगद दिखाने वाला वीडियो वायरल, कांग्रेस ने बीजेपी पर हिंदू देवताओं के अपमान का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसानों ने किया हवन, पीएम के दर्शन के लिए मोदी जी प्रकट हो का गूंजा मंत्र। राजस्थान के झालावाड़ में स्वाइन फ्लू से 1 महिला की मौत, 2 बच्चे पाए गए पॉजिटिव, अस्पताल में हड़कंप। राजस्थान के बूंदी में दबंगों ने दलित पुलिस कांस्टेबल को घोड़ी पर बारात निकालने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, डीएम एसपी से पीड़ित ने लगाई गुहार। राजस्थान के जबलपुर में महिला डॉक्टर ने दिया इस्तीफा, उत्पीड़न के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने से नाराज, डीएम ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के अलवर में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, 2 नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस। रेगिस्तान के मंडरा में तूफान का अलर्ट, रेत के गुब्बार उठने की आशंका, तमाम सरकारी अफसरों को मुख्यालय न छोड़ने का आदेश। राजस्थान के भरतपुर में तूफान के बाद बिजली की आपूर्ति ठप, महिलाओं युवाओं का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के धौलपुर में मकान में लगी आग, 2 घंटे की कोशिश के बाद आग बुझाई गई। राजस्थान के अलवर में 38 घरेलू गैस सिलेंडर के साथ एक शख्स गिरफ्तार, गैस एजेंसी के खिलाफ जांच। शामली में पत्नी से पति पर लगाया दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दबाव का आरोप, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। कन्नौज में दिनदहाड़े जमीन विवाद में युवक को चाकुओं से गोदा, पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के बुलढाणा में कुएं में घुसकर महिला ने पकड़ा 8 फीट लंबा सांप, वन विभाग की टीम को सौंपा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शहरी इलाके में
तेंदुआ दिखने के बाद दहशत, वन कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कोलकाता में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात, चलती कार से फेंका तेजाब, रास्ते में चल रहे 5 झुलसे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, दूसरा घायल, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार बदमाश। अगरतला में त्रिपुरा राइफल के जवान ने 2 बच्चों और बीवी की गोली मारकर की हत्या, वारदात के बाद खुदकुशी। ओडिशा के भुवनेश्वर में सड़क पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हुई महिला, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलने का आरोप। ओडिशा के देवकनाल में जंगली हाथियों के हमले में 2 की मौत, 1 घायल। कर्नाटक के बादामी में कृष्णा हेरिटेज रिजॉर्ट पर छापा, इनकम टैक्स की कार्रवाई। पांडिचेरी में केमिकल फैक्ट्री के प्रदूषण को लेकर बड़ा प्रदर्शन, भीड़ पर आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज। केरल के कन्नूर में सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बंद का व्यापक असर, बाजार और दुकानों में लटके रहे ताले। हैदराबाद पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 12 सटोरियों को दबोचा, 15.5 लाख कैश बरामद। श्रीनगर में पत्थरबाजी के दौरान चेन्नई के युवक की मौत, अस्पताल जाकर पिता राजबली से सीएम ने की मुलाकात, कहा मुझे आपके लिए दुख। चेन्नई के पर्यटक की हत्या के बाद राजनीति गरम, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पीडीपी सरकार को बताया फेल, महबूबा सरकार की बर्खास्तगी की मांग। इलाहाबाद में कुंभ स्नान को लेकर साधु संत और अफसर आमने सामने, तारीख को लेकर असहमति, मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे साधु। गुजरात के अहमदाबाद में अंबाजी मंदिर में भक्तों ने चढ़ाया 1 किलो का सोना, दान करने शख्स के नाम का खुलासा नहीं। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में चपरासी की शादी में डीएम हुई शामिल, परिवार वालों के साथ परंपरागत आदिवासी नृत्य में हिस्सा लिया। बिहार के छपरा में लड़की ने शादी से किया इनकार, मंडप में दूसरे लड़के से हो गई शादी। मुंबई में शादी के बंधन में बंधी बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर, कारोबारी आनंद आहूजा को बनाया जीवन साथी। शादी समारोह में उमड़ा बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन, जैकलीन फर्नांडिस, करण जौहर समेत कई सितारे पहुंचे। दोपहर में हुई इस शादी की रस्म, बेटे तैमूर के साथ पहुंचा सैफ अली खान का परिवार, करिश्मा और आमिर खान ने भी की शिरकत। मुंबई में बीती रात मुकेश अंबानी के घर अंटालिया में सगाई का जश्न, बॉलीवुड उद्योग और क्रिकेट जगत की हस्तियों का लगा मेल। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा के साथ उद्योगपति आनंद पीरामल की सगाई, मंच पर बिटिया के साथ झूमी नीता अंबानी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।